नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक मेरे पास एक स्पेशल पैकेज आया है। मैंने 20 तारीख को ऑर्डर किया था और आज जो आज 25 है, पर कल ही आया था, पर मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अभी उस अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं उसको खोलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, ये नंदा सर का किताब है, बसंत कुमार नंदा सर का, हमारे वो टीचर हैं। और उनका एक किताब है, टेस्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी। आप देख सकते हैं, टेस्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी बाय बसंत कुमार नंदा। और ये सब कितना, ये सब बेनिफिट्स हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि नंदा सर का किताब आ चुका है, तो मैंने तुरंत ही उसको ऑर्डर कर लिया। आप ऑर्डर का डिटेल्स देख सकते हैं, अमेजन से किया है मैंने। 20 तारीख को ऑर्डर किया और 26 मार्च को ये आ चुका है। किताब 1350 है, 1350 रुपीज़ का, क्योंकि हमें पता है कि नंदा सर का किताब कितना यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, मैं जब पिछले वीडियो में बताया था कि जब सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बारे में, क्या फर्स्ट सेमेस्टर में जब इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते थे, मतलब मैंने कोई नोट नहीं किया था, मैंने सिर्फ नंदा सर का किताब पढ़ के ही एग्ज़ाम दिया था और सब ईजी था। मतलब उनका किताब में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिया होता है, तो इसलिए जब मुझे पता चला कि टेस्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी उनका आ रहा है, मैं और कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट ही मैंने अमेजन से उसे मंगा दिया। और ये सर कि ये किताब सर बहुत सालों से ही लिख रहे थे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब 7th सेमेस्टर में थे, तब भी सर अपने लैपटॉप से कुछ एडिट करके हमें पढ़ाते थे। मतलब पढ़ाते थे और कुछ जहाँ पे मॉडिफिकेशन होता था वो एडिट करते थे, और बोल रहे थे कि बुक आएगा, पर कब आएगा हम हमारा एग्ज़ाम बताओगे। हम पास भी हो गए हैं और हम 6-7 महीने से अभी अभी जॉब कर रहे हैं, फिर भी मैंने सोचा नहीं, ये किताब बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अमेजन से मंगाया था और ये आ चुका है। तो उसके पहले और ये हमारा पहला अनबॉक्सिंग का वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने नहीं किया है शायद कभी भी अनबॉक्सिंग कुछ चीज़ों का। नॉर्मली करता हूँ पर कैमरा में नहीं करता हूँ। तो आज चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये अमेजोन से है, किस तरह से काटें इसको। टाइम देख सकते हैं, अभी 5:20 है। ये रहा किताब, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी। लाइट लगा लेता हूँ। टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी बाय बसंत कुमार नंदा सर, ये कुछ इस तरह का किताब है। बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और इसका क्या है, और ये पैकेज, ये पैकेज को हम उस तरफ रख देते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी है। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं अमेज़न पे। और आपको अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं अमेज़न से। उसको खोलते हैं अभी। बड़ा ही अच्छा ही कलर है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। किताब का कवर जो है, ये प्लास्टिक, उसको उस तरफ रख देते हैं। तो देखते हैं, वाह ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा ही किताब है। वाह, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी। हाँ, इस किताब के बारे में बता रहा था, ये इलेक्ट्रोथेरेपी सिंप्लीफाइड है, जिसको मैं बोलता हूँ कि खरीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से भाषा, मतलब समझना इसको इजी है और आपको मार्क फेचिंग भी रहता है। ये टेस्ट बुक ऑफ फिजियोथेरेपी भाई बसंत कुमार नंदा सर, BPT ऑनर्स, MPT लेक्चरर फिजियोथेरेपी, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटकंड ओडिशा। तो सर का हैवी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स। देख सकते हैं, JP ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स, एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद कंटेंट्स, कंटेंट्स में आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले है आपका, और एक लाइट लगा देता हूँ,
एक्सरसाइज थेरेपी एंड मसाज के ऊपर है। एक्सरसाइज थेरेपी वार्म अप, कूल डाउन, पोस्चर, बैलेंस, टाइप्स एंड रेंजेस ऑफ मसल और गोनियोमेट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन, फ्रैंकल्स एक्सरसाइज, सस्पेंशन थेरेपी, ये फर्स्ट चैप्टर था एक्सरसाइज थेरेपी का। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोथेरेपी, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोथेरेपी, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी पूल, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशन फॉर हाइड्रोथेरेपी, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF टेक्निक्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, बेसिक न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस। उसके बाद दोस्तों फिलोसफी ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ PNF, टेक्निक्स ऑफ PNF, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ PNF। उसके बाद दोस्तों चार नंबर में नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन, वॉकिंग गेट्स एंड गेट ट्रेनिंग के बारे में चैप्टर है। नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन, गेट एनालिसिस, वॉकिंग गेट्स। उसके बाद दोस्तों मसाज के ऊपर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मसाज, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मसाज, थेरापेटिक यूजेस ऑफ मसाज, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मसाज, मसाज लुब्रिकेंट्स। तो दोस्तों ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को, यहाँ तक कि गेट भी है ना, तो थर्ड सेमेस्टर बच्चों तक ये फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद दोस्तों फिजियोथेरेपी और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फिजियोथेरेपी फॉर स्पाइनल डिसऑर्डर्स, द लुम्बर स्पाइन, थोरासिक स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, डिसऑर्डर ऑफ स्पाइन, लो बैक पेन। फिजियोथेरेपी फॉर हिप, द हिप जॉइंट, स्पेशल टेस्ट फॉर हिप जॉइंट, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स ऑफ हिप, नी जॉइंट, स्पेशल टेस्ट फॉर नी जॉइंट, फिजियोथेरेपी फॉर एंकल एंड फुट, द एंकल जॉइंट, स्पेशल टेस्ट फॉर एंकल एंड फुट, फिजियोथेरेपी फॉर शोल्डर, द शोल्डर जॉइंट, स्पेशल टेस्ट फॉर शोल्डर जॉइंट, द कॉमन शोल्डर इंजुरीज एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों फिजियोथेरेपी फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ एल्बो, द एल्बो जॉइंट, द सुपीरियर इंफीरियर रेडियल ना जॉइंट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग एल्बो पेन एंड स्पेशल टेस्ट फॉर एल्बो डिसऑर्डर्स। फिजियोथेरेपी फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्ट एंड हैंड, डिसऑर्डर्स ऑफ द रिस्ट एंड हैंड, स्पेशल टेस्ट। फिजियोथेरेपी इन स्कोलियोसिस, फिजियोथेरेपी फॉर एम्प्यूटीज, इंसिडेंस ऑफ एम्प्यूटेशन, कॉजेस इंडिकेशन एम्प्यूटेशन, फेजेस ऑफ एम्प्यूटी रिहेबिलेशन, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन एम्प्यूटी रिहेबिलेशन, डिस्चार्ज प्लानिंग। फिजियोथेरेपी इन आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, साइफिलिटिक आर्थराइटिस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फिजियोथेरेपी इन फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, फ्रैक्चर ऑफ अपर लिम्ब। काफ़ी कुछ कॉन्टेंट्स है इस बुक में। लोअर लिम फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स अराउंड द एंकल एंड फुट, फ्रैक्चर्स ऑफ टार्सल, मेटाटार्सल, फलांजेस। फिजियोथेरेपी फॉर बोन, कॉजेस ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ बोन, परसेंटेज ऑफ बोन, बोन के ऊपर है, बोन फिफ्थ सेमेस्टर में यूजफुल है। उसके बाद फिजियोथेरेपी फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक, सेवन सेमेस्टर में बहुत ही क्वेश्चन आता है। फिजियोथेरेपी फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, पार्किंसन डिजीज, सिक्स सेमेस्टर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, फिजियोथेरेपी इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिडेमी, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी असेसमेंट, प्रोग्नोसिस। उसके बाद फिजियोथेरेपी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटर न्यूरॉन, न्यूरो के ऊपर काफ़ी कुछ है। फिजियोथेरेपी फॉर पेरिफेरल नर्व इंजुरीज, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी, अल्नर नर्व, मीडियन रेडियल, सियाटिक। उसके बाद दोस्तों 26 नंबर चैप्टर है फिजियोथेरेपी इन गुलेन-बारी सिंड्रोम, GBS, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, GBS। उसके बाद दोस्तों फिजियोथेरेपी अटैक्सिया, अटैक्सिक डिसऑर्डर्स, फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी, फिफ्थ सेमेस्टर में शायद, फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्टेट्रिक्स, फिर प्रेगनेंसी, इट्स कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी इन गायनेकोलॉजिकल डिजीज, फिजियोथेरेपी आफ्टर रेडिकल मास्टेक्टोमी, फिजियोथेरेपी आफ्टर हिस्टेक्टोमी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फिजियोथेरेपी फॉर पल्मोनरी कार्डियक रिहेबिलेशन, ये फोर्थ सेमेस्टर पे, पल्मोनरी रिहेबिलेशन, इंट्रोडक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पोस्टुरल ड्रेनेज, सर्कोइडोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी रिहेबिलेशन, कार्डियक रिहेबिलेशन, इंडिकेशन ऑफ कार्डियक रिहेबिलेशन, गोल ऑफ कार्डियक रिहेबिलेशन, बेनिफिट्स ऑफ कार्डियक रिहेबिलेशन, असेसमेंट ऑफ पेशेंट बिफोर एक्सरसाइज ट्रेनिंग फॉर कार्डियक रिहेबिलेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियक रिहेबिलेशन, फेजेस ऑफ कार्डियक रिहेबिलेशन। उसके बाद फिजियोथेरेपी इन एब्डोमिनल एंड थोरासिक सर्जरीज, फिजियोथेरेपी इन एब्डोमिनल सर्जरीज, कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी, फिजियोथेरेपी एब्डोमिनल सर्जरीज, फिजियोथेरेपी इन थोरासिक सर्जरीज। उसके बाद दोस्तों एथिक्स, सेवन सेमेस्टर में है,
पढ़ाते थे सर हमको, एथिक्स एंड मैनेजमेंट एंड स्पेशल टेक्निक्स इन फिजियोथेरेपी, फिर प्रोफेशनल एथिक्स, मेडिकोलॉजिकल इश्यूज अराइजिंग ड्यूरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट्स, एथिक्स इन फिजियोथेरेपी, कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, बहुत कुछ है। बाप रे बाप। मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग, स्पेशल टेक्निक्स ऑफ थेरेपी टू इम्प्रूव फंक्शन इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग, मोटर री लर्निंग, ये आदि हम जो हमें सेवन्थ सेमेस्टर में सर हमसे पढ़ाते थे डायरेक्ट लैपटॉप से, मतलब ये बुक नहीं था ना तब। न्यूरोडेवलपमेंट टेक्निक, रूट्स अप्रोच, पोस्ट अप्रोच, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, कंडक्टिव एजुकेशन थेरेपी, मैनुअल थेरेपी भी है, मैकेंजी, मेटलैंड, सीरियस, कल्टन बोन, मेनेल्स, मसल एनर्जी टेक्निक, एमिटीज, स्ट्रेन काउंटर स्ट्रेन, मायोफेशियल रिलीज, मुलिगन्स अप्रोच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब फिजियोथेरेपी में फर्स्ट ईयर से लेकर, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर ए सेमेस्टर तक का कंटेंट इस बुक में है। बहुत कुछ है, एक्सरसाइज थेरेपी, मसाज, फिजियोथेरेपी फॉर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, फिजियोथेरेपी फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फिजियोथेरेपी इन पल्मोनरी कार्डियक रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी इन एब्डोमिनल थोरेसिक सर्जरी, एथिक्स, मैनेजमेंट, बहुत कुछ है किताब में। और एक देखते हैं किताब में क्या क्या है, मतलब कैसा है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुआ है, एक्सरसाइज थेरेपी एंड मसाज का सेक्शंस, एक्सरसाइज थेरेपी देख सकते हैं किताब का इंटरफेस, मतलब कैसा है चैप्टर, चैप्टर वन, और काफ़ी डायग्राम्स भी है देख सकते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये सब देख सकते हैं, हाँ, मूवमेंट इन फ्रंटल प्लेन डायग्राम्स से, ओ यहाँ भी बहुत ही अच्छा से, मतलब डायग्राम ही मेन ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से लिया गया है, वो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, ओह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डायग्राम है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं डायग्राम्स, ये डिपार्टमेंट का फोटोज है, बैलेंस ट्रेनिंग ऑन ट्रैम्पोलिन 120 में है, ये डेवलपमेंट एंकल स्ट्रेटेजी इन राइट हेमिप्लेजिक पेशेंट, और ये शायद पीछे निवेदिता खड़ी है फोटो में, ये भी 120 का है, थेराबैंड एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर, गोनियोमेट्री, ये सब फोटोज डिपार्टमेंट के हैं। अरे मतलब बढ़िया है, गोनियोमेट्री का आप देख सकते हैं, गोनियोमेट्री सब एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है सब फोटोज के साथ, ताकि आपको बहुत ही इजी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये स्मृति सर है, पीजी कर रहे थे अभी, उन पास आउट हो गए होंगे। ये उद्दीता है, ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस, क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस, आप देख सकते हैं बहुत कुछ है किताब में, मतलब सब चीज़ें दिया है, उसके साथ साथ पिक्चर्स दिए हैं यहाँ पर, हमारे दोस्त आशीष पुष्टि भी हैं, और देख सकते हैं उनका चेहरा, और बहुत कुछ किताब है, ये 30 पेज की मैम है, गेट के ऊपर देख सकते हैं, गेट वॉकर, मसाज की टेक्निक्स सब अच्छे से दिया हुआ है, क्या कैसे कर सकते हैं, पामा नीडिंग, माफिशियल टैपिंग, पाउंडिंग, बहुत कुछ, मतलब सब प्रोसेस को उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है इस किताब में। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस देख सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस ये इसका अंदर है, कैसे आप क्या सब कर सकते हैं, ये टीका सर है, टीका सर, और भाई ना तो बैठते हैं स्ट्रोक में, या फिर नंदा सर के पास ही होते हैं हमेशा, ताहिर अली लेज़र देते हुए।
देख सकते हैं ब्रेसेस भी दिए हुए हैं, एलएस लुम्बोसक्रल ब्रेस ये है, ये ट्रैक्शन, ये प्रदीप ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं एमपीटी में अभी, सीएमसी वेल्लोर में। बहुत कुछ है, मतलब सब सब चीज़ के बारे में है, सब कैसे कर सकते हैं ये देख सकते हैं किताब आप। इस किताब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। बहुत कुछ है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा नोट्स मतलब हैंडमेड मिल जाएगा। मतलब हमें बहुत तकलीफ होता था मतलब नोट्स लिखो ये करो, पर इलेक्ट्रोथेरेपी में जैसे हमारे मैंने बताया था कि हमें ये करना नहीं पड़ा, नंदा सर खुद हैं ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब है, और आप देख सकते हैं अच्छा किताब है और बहुत ही सब कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है। तो ऐसा है था किताब, और उस किताब के मैंने और कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। द बुक एक्सटेंसिवली कवर्स एक्सरसाइज थेरेपी, मसाज, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी फॉर मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर, कार्डियोरेस्पिरेटरी, ऑब्स्ट्रेटिक, गैनियोलॉजिकल कंडीशंस, गोनेमेट्री एंड आर्थोपोरमेट्रिक मेजरमेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड फॉर एवरी क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल टेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड विद इलस्ट्रेटिव पिक्चर्स, फिजियोथेरेपी बोन एम्पुटेस, स्कोलियोसिस, वेरियस फ्रैक्चर्स एंड देयर मैनेजमेंट हाईलाइटेड फॉर फिजियोथेरेपी, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी फॉर एब्डोमिनल थोरेसिक कंडीशंस, चैप्टर्स ऑन कार्डियक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशंस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड मैनेजमेंट, मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग, स्पेशल टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेबल टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, मैनुअल थेरेपी। द ऑथराज ट्राई टू मेक द चैप्टर सिंपली बाय पुटिंग इलस्ट्रेटिव पिक्चर्स एंड द बुक कैन सर्व एज द हैंडबुक वेयर द स्टूडेंट्स विल गेट एवरीथिंग कंटेंट इन वन ऑल इन वन। देख जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर लेकर लास्ट सेमेस्टर तक बहुत कुछ है। तो सर के बारे में तो बताना ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं जिन उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ। बसंत कुमार नंदा बीपी डॉनर्स एमपीटी इज ए क्लिनिकल क्लिनिशियन एंड टीचर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी हु हैज एक्वायर्ड मोर देन 30 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एंड टीचिंग एक्सपीरियंसेस। 30 ईयर्स मासिव दोस्तों, ये जो किताब है ये 30 ईयर्स का मेहनत का और एक्सपीरियंस का रिजल्ट है ये किताब। क्लिनिकल टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूट लाइक ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड हैदराबाद, राजमंड्री आंध्र प्रदेश इंडिया, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ उत्तर प्रदेश, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च उलरपुर, हैज कंडक्टेड मेनी वर्कशॉप सीएमई प्रोग्राम्स एज रिसर्च पर्सन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इज ऑल्सो द कंडक्टेड मेनी एंड कंडक्ट एंड इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक सिंप्लीफाइड सिंस 2008। ही हैज एक्वायर्ड वाइड एक्सपीरियंस इन ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज न्यूरोमस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, पेडियाट्रिक एक्सेट्रा, एज वेल एज प्लानिंग रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। बिसाइड्स द क्लिनिकल सर्विसेज द ऑथर हैज वाइड एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। The author has tried to utilize the vast experience while designing the book, considering the needs of the students of physiotherapy and patient groups. तो दोस्तों आपने बुक का देख सकते थे बुक कैसा है कैसे नहीं, कितना बड़ा है और देख सकते हैं बुक के नाम, बुक के बारे में आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों इस बुक का जो लिंक है बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए उसको खरीदिए। कितना दिन में आता है, मैंने 20 तारीख को ऑर्डर किया था, 24 में 4 दिन के बाद आ गया और 1350 उसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कीजिए और अपने फिजियोथेरेपी के दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए, जो फिजियोथेरेपी ग्रुप्स हैं आपके वहाँ पे भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि ये एक किताब आया है और उनको और उनके लिए और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो पास कर चुके हैं उनके लिए भी है, बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लिनिकल एक्सपीरियंस मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से दिया गया है। तो दोस्तों मेनली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोथेरेपी सिंप्लीफाइड के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, डायरेक्ट सेकंड सेम में
मैंने नाना सर का बुक पढ़ के गया था। इसी तरह आप डायरेक्ट इस बुक को ही पढ़ के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब फिर से नोट बनाओ हर चीज़ से, आपको सब चीज़ें एक जगह पे मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, नॉलेजेबल होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो फिर जितना भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि ये किताब जो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ख़रीदे। मैंने बाइंग लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेक श्योर आप चेकआउट कीजिए, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।